गाइस तो कैसे आप लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं नितिन, गाइस आप लोग देख रहे हैं फिटनेस रहा। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे गाइस। तो आज का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है वो है आपका बिग रैमी की तरफ से गाइस। तो रिसेंटली देख सकते हो बिग रैमी ने अपना एक अपडेट शेयर करा एंड काफी टाइम बाद आप लोग देख सकते हो मतलब ये अपडेट शेयर करा। और जिस अनुसार इनका जो फिजिक लग रहा ना, मतलब ये कम्पीट करने वाले ऑलमोस्ट ये 6 पॉइंट आई थिंक 6 वीक्स आउट हैं ओलंपिया से। और काफी इस बार इनका ना बॉडी में इंप्रूवमेंट लग रहा है, जैसे कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा मतलब 2022 में जब इन्होंने कम्पीट करा था तो इनका साइज ना बिल्कुल डाउन हो चुका था, मतलब धीरे धीरे इनका आर्म्स बिल्कुल छोटे लग रहे थे एंड ओवरऑल फिजिक भी ना बहुत ज्यादा जो इंटेंस डेंस बोलते हैं उसका कहीं ना कहीं कमी लैक लग रहा था गाइस। तो इस बार बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक ये कम बैक करने वाले हैं गाइस। आप लोग देख ही सकते हो इस फिजिक को देखकर बस इतना सा लग रहा कि बहुत तगड़ा ये कम बैक करने वाले हैं। इस बार इनका जो आर्म्स का साइज भी बढ़ रहा है, मिड सेक्शन में बिल्कुल शार्प बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहा है। तो एज आप लोग को प्रोडिक्शन के अनुसार बताना आप लोग को क्या लगता है कि इस बार बिग रैमी का कम बैक करेंगे कि अपने टाइटल को फिर से क्लेम कर पाएंगे या फिर से 19-20 इनका टॉप 5 टॉप 3 टॉप 4 जो भी आप लोग सोचते हैं कमेंट करके आप लोग अपना राय विचार जरूर देना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट आया है वो है आपका हंटर लबराडा की तरफ से गाइस। तो हंटर लबराडा जो कि ऑलमोस्ट ये अपना शो से ब्लैक अभी तो इटली वाले शो में ये कम्पीट करने वाले हैं, वैसे मैं बता दूं, बाकी हम थोड़ा ओलंपिया का भी आप इनको थोड़ा जज कर लेते हैं। तो गाइस हंटर लबराडा बिल्कुल इस बार ना कंडीशन पे फोकस कर दिया, बिल्कुल टॉप नॉच कंडीशन हिट कर दिया इन्होंने। देखो कंडीशन बाजी जी बोलूँ तो हंटर लबराडा जरूर कहना कहीं लास्ट ईयर से इस साल ना कुछ इंप्रूवमेंट के साथ लग रहा है। इस बार इनका ग्लूट्स में फाइबर बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहा, उसके साथ साथ इनका हैम्स गाइस आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा बिल्कुल मतलब डेवलप लग रहा एंड ओवरऑल फिजिक भी बोलूंगा ना तो अच्छा सुंदर भी लग रहा गाइस। लेकिन हाँ आप थोड़ा सा है कि लास्ट टाइम किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट, बाकी ना इनको थोड़ा सा और भी मतलब थोड़ा चेस्ट पे इनको वर्क करना पड़ेगा गाइस। आप लोग देख सकते हो अपर बॉडी और लोअर बॉडी के यदि कंपेरिजन करें तो इनका मेरे को ना लोअर बॉडी ज्यादा डोमिनेशन लगता है एज अ कंपेरिजन टू अपर। अपर बॉडी में इनका बॉडी जो फ्रंट लुक है ना, बैक देखो इनका बहुत ज्यादा इंप्रूव है, थिकनेस भी है विड्थ भी है। लेकिन अभी अपर लुक की बात करूँ ना करके तो फ्रंट से थोड़ा सा इनका चेस्ट फ्लैट लगता है। तो लेट्स सी देखते हैं किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या ये दिखाते हैं अपने आप को, तो हम लोग को देखना होगा। इसको आप लोग कमेंट कर बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है ना वो है अपना उर्स की तरफ से गाइस, मिरेकल विरल की तरफ से गाइस। तो रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर करा और उन्होंने लिखा कांट वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड ओलंपिया। तो गाइस जैसा कि आपने देखा होगा ये तो मतलब रेमन डिनो को भी जिस वाले शो में इन्होंने हराया करके उसके बाद इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बिल्कुल चरम सीमा पे। अभी इन्होंने रिसेंटली एक पोस्ट भी शेयर करा था जिसमें ना इन्होंने टॉप 5 का प्रिडिक्शन करा था, जिसमें अपने आप को इन्होंने फर्स्ट पे लिखा था और शिवम को सेकंड पे लिखा था। तो मतलब इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हो गाइस, या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या कॉन्फिडेंस आप लोग कमेंट करके बताना। बाय द वे थोड़ा फिजिक के बारे में डिटेलिंग में बात करते, देखो कंडीशन तो यार कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम टॉप नोच कर सकते हैं, लेकिन साइज में कहीं ना कहीं लैक करेंगे जरूर शिवम के बराबर में, क्योंकि यार मतलब आपने देखा होगा शिवम का ना कंप्लीट पैकेज है। अब इनका क्या फ्रंट लुक से ये लेट्स को ओपन करते तो जितने बड़े बिट शिवम का उतना बड़ा इनका नहीं लगता है। तो इन सब भी आप पे देखो तो लेफ्ट भी उतना ज्यादा बहुत शिवम के बराबर में यार डेवलप नहीं, बाकी देखो जज पे डिपेंड होता है किस तरीके से कंडीशन पे किस तरीके से क्या ये जज करेंगे वाट एवर जो भी है। बाकी आप लोग भी एक बार अपना राय विचार बताना कमेंट बॉक्स में गाइस, आप लोग को क्या लगता है बताओ। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है ना वो है आपका एंड्री जॉब्स की तरफ से गाइस। रिसेंटली जैसे तो एंड्री ने अपना अपडेट मेरे को लग रहा है लास्ट ना अभी 1-1.5 साल की बात करूँ ना तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट वाला एथलीट सैमसन डोडा और एंड्री जॉब्स गाइस। आप लोग देख सकते हो इनका कंडीशन मतलब बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि एकदम तैयार है इस बार टॉप 5 क्रैक करने के लिए। और टॉप 5 तो बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि पलटवार कुछ हो सकता है, क्योंकि यार जिस तरीके से इन्होंने अपने आपको डिस्प्ले करा ना अभी टेक्सास वाले प्रो शो में इन्होंने 11-10, 12-11 को जो भी है कम्पीट करा अगस्त में, उनमें भी इनका फिजिक का इतना मतलब टॉप नॉच कंडीशन इन्होंने लेकर आया देखकर मजा आ गया। एंड आप लोग देख सकते हो अपर बॉडी लोअर बॉडी बिल्कुल बैलेंस हो रखा है, चाहे क्वाड में सेपरेशन की बात करूं मिड सेक्शन की बात करूं आर्म्स का साइज आप लोग देख सकते हो, मतलब ओवरऑल फिजिक जो है ना बहुत प्यारा फिजिक है गाइस। तो आप लोग भी अगर कमेंट के बताना कि इनका फिजिक कैसा आप लोग को लगता और ए बजट बताना आपको क्या लगता है इनका क्या हो सकता है टॉप 5 टॉप 3 टॉप 2 या फर्स्ट तक जो भी आप लोग सोचते हो कमेंट करके गाइस एक बार बता देना। बाकी कंडीशन वाइज तो बोलूं तो बहुत टॉप नॉच हिट करने वाले हैं इस बार का। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है रायन टेरी की तरफ से। रिसेंटली देख सकते हो ये इनका करंट फिजिक अपडेट है गाइस जो कि 6 वीक्स आउट है फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया। इन्होंने कैप्शन में लिखा था कि 8 LBS टोटल लेफ्ट टू लूज, अभी मतलब 8 LBS और ज्यादा लूज करेंगे स्टेज बॉडी वेट से, 2.202 LBS ऑन स्टेज लेकर जाएंगे 12 वीक से। वो इन्होंने अपना प्रेप स्टार्ट करा था 228 से 228 LBS से, करंटली है इनका 210, अभी इसमें से ये 8 और ज्यादा लूज करेंगे उसके बाद ये ऑन स्टेज जाएंगे। इन्होंने लिखा आई एम हैप्पी विद दिस कंडीशन एंड आई वॉन्ट टू लाइक इम्प्रूव लाइन 6 वीक, जो भी 6 वीक में इम्प्रूवमेंट करेंगे। बाकी कंडीशन वाइज बोलूँ तो यार कंडीशन वाइज तो बिल्कुल रैन टेरी सार्फ है गाइज,
लास्ट टाइम भी देखा होगा आपने जीत के ओलंपिया का टाइटल, तो इस बार देखते हैं कि आपने टाइटल को रिक्लेम कर पाएंगे या फिर नहीं, वाट एवर जो भी हम सभी लोग को देखना होगा। बाकी कंडीशन वाइज बोलूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है एकदम सार बिल्कुल। बाकी इंप्रूवमेंट लास्ट ईयर और इस ईयर में बोलूंगा तो बहुत एक ह्यूज इंप्रूवमेंट, नहीं मेजर तो नहीं बट माइनर इंप्रूवमेंट जरूर कहीं ना कहीं दिख रहा। तो गाइज आप लोग भी कमेंट के बताना कि इनका फिजिक आप लोगों को कैसा लग रहा है, गाइज आप लोग इनके बारे में क्या सोचते कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज जो नेक्स्ट अपडेट हमारा है गुरुजी मुकेश गहलोत की तरफ से, रिसेंटली उन्होंने कुछ टिप्स शेयर करा, आप इस वीडियो को देखना है गुरुजी के बारे में, गाइज आप लोग क्या सोचते कमेंट करके जरूर बताना। आगे जब कॉन्ट्रेक्शन करते हैं ना तो आपका सिर्फ एक छोटे से पार्ट पे लोअर चेस्ट की उस पे कॉन्ट्रेक्शन फील होगा आपको, ये सही मूवमेंट नहीं है। आप बहुत ऊपर आगे कॉन्ट्रेक्शन करेंगे जैसे इसमें दिखाया है, ये भी आपको बेटर फील नहीं कराएगा पूरी ओवरऑल चेस्ट पे। और कई बार आप दोनों पैर एक साथ रख के बॉडी वेट से हेल्प ले लेते हैं जैसे इसमें दिखाया है, ट्रेनिंग तो ठीक है आपको कॉन्ट्रेक्शन भी मिलेगा लेकिन इसमें एक तो आपको बॉडी वेट से हेल्प मिल जाती है, दूसरा कभी कोई वायर ब्रेक हो गया तो ये आपके लिए एक्सीडेंटल भी हो सकता है, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तीसरा आपका एल्बो का एंगल बहुत ज्यादा ओपन कर देते हैं आप, ये जैसे इसमें दिखाया है बार बार आपका एंगल जो एल्बो का है वो चेंज हो रहा है। ये ध्यान रखिए जब भी आप केबल क्रॉस ओवर करते हैं तो वो इस तरीके से करना है, एक तो मिडिल चेस्ट की तरफ लेके आना आपने, यहीं पे आगे पीक कॉन्ट्रेक्शन करना है, हल्का सा पॉज देना है हर बार जब भी आप पीक चेस्ट को कॉन्ट्रेक्ट करेंगे, हल्का सा यहाँ पे पॉज देना है और पूरे मूवमेंट में आपका एंगल जो एल्बो का एंगल है ना वो फिक्स रहेगा, ये बार बार चेंज नहीं होगा, बहुत ज्यादा ओपन नहीं होगा, बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं होगा, जैसे इसमें दिखाया ये एक्यूरेट है। तो आपके आप अपने चेस्ट के रूटीन में दो कंपाउंड मूवमेंट के बीच में इसको कर सकते हैं केबल क्रॉस ओवर को, आपके ट्राइसेप को रेस्ट मिल जाएगा या अपनी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो। इसी प्रकार आपको फिटनेस इंडस्ट्री का सारा अपडेट सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिंह फिटनेस पर मिलता रहेगा। मिलते हैं आपको गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय, बाकी गाइस आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को सपोर्ट करो।